हेलो डार्लिंग्स, इट्स शो टाइम। फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का पैन वॉल सुपरस्टार डार्लिंग प्रभास की फिल्म कल की 2898 एडी के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइज, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द फोर्थ वीक ऑफ कल की 2898 एडी। कल से ये फिल्म अपने फिफ्थ ग्लोरियस वीक में एंटर जो है वो करने वाली है। एंड कल इसके सामने कंपटीशन के नाम पर दो फिल्में हैं। इसको धनुष की फिल्म रायन जो है उसका सामना साउथ में करना पड़ेगा। एंड अनफॉर्चुनेटली तमिलनाडु में, स्पेशली तमिल स्पीकिंग स्टेट्स में, यहाँ पर इसके शोज बहुत कम हो जाएंगे। एंड तेलुगु वर्जन विल अगेन शो गुड राइज ऑन सैटरडे एंड संडे, बट अनफॉर्चुनेटली ऑल ओवर इंडिया इसे डेडपूल एंड वुल्वरीन का सामना करना पड़ेगा। यस, जॉनर्स आर डिफरेंट, लेकिन गाइस अनफॉर्चुनेटली जो 3D स्क्रीन्स है उसमें अच्छे खासे रिडक्शंस जो यहाँ पर देखने मिलेंगे। आईमैक्स तो ऑलमोस्ट कल की 2898 का समाप्ति हो जाएगा। लेट्स सी गाइस, कल काफी इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि कल की 2898 को शोज जो है वो कितने मिलते हैं एंड क्या वापस से ये वीकेंड यानी कि सैटरडे एंड संडे ये फिल्म हमको सरप्राइज कर पाती या नहीं कर पाती। सारी सारी चीजें आज के एपिसोड में, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले शुरुआत करते हैं डे नंबर 28 यानी कि कल के बुक माय शो के टिकट सोल्ड से। तो गाइस, कल भी इस फिल्म ने 26.1000 टिकट जो है 24 घंटे में बेचे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा नंबर है गाइस। अब गाइस बात करते हैं किस तरह से, जहां पर फिल्में सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही यूरोपियन कंट्रीज में लगती है मैक्स टू मैक्स दो, वहीं पर कल की 2898 एडी जो है नेदरलैंड्स में फिफ्थ वीक में भी अपनी यहां पे शो काउंट जो है उसकी बुकिंग जो है इसने ओपन कर दी है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग सुपर हिट नॉट ओनली इन हिंदी वर्जन बट ऑल्सो द तेलुगु वर्जन फिफ्थ वीक इन नेदरलैंड्स। नॉर्थ अमेरिका के साथ बहुत सारे जगह है यूरोप में जहां पर फिल्में जो है अभी भी चल रही है। एंड नाउ कैन यू बिलीव इट, 2021, 2022, 2023, 2024 यानी कि ऑलमोस्ट आज से 3-4 साल पहले सेम डे पर कल की 2898 एडी जो है उसकी शुरुआत हुई थी 24 जुलाई 2021 को। इट बिगिंस ऑन अ स्पेशल डे ऑफ गुरु पूर्णिमा, एक वो दिन था, एक आज का दिन है। आज ये फिल्म ऑलमोस्ट 1120 करोड़ जो है वो यहाँ पर क्रॉस कर चुकी है। अब गाइस बात करते हैं कल की यानी कि डे 27 की। तो 2D शोज जो थे कल रात को वहां पर ऑक्यूपेंसीज जो है 13% तक जम मारा। बात करूंगा 3D ऑक्यूपेंसीज की, तो 3D ऑक्यूपेंसीज कल रात को 16% पे चल रहे थे यानी हिंदी वर्जन इज नॉट गोना स्टॉप एनी टाइम सून। तो बात करते हैं एग्जैक्टली डे नंबर 28 की। तो हिंदी वर्जन में ये फिल्म वापस से 1 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है एंड इसी का इसके हिंदी वर्जन में कलेक्शन 280.76 करोड़ तक पहुंच गए। देखिए गाइस, 300 करोड़ का रास्ता जो है बहुत दूर है एंड उस रास्ते तक पहुंचने के लिए इसको ये वीकेंड में ज्यादा से ज्यादा कमाई जो है यहाँ पर करने की कोशिश करनी होगी। बात करो तेलुगु वर्जन की 60 लाख, बात को रेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस 20 लाख, यानी कि कल भी इस फिल्म ने 1.80 यानी कि 1.80 करोड़ का नेट कलेक्शन जो है किया था। सो ग्रॉस होता है 2.18 करोड़। ओवरसीज फिल्म ने कमाए थे 80 लाख, कल भी इस फिल्म ने पूरे विश्व भर में 2.98 से 3 करोड़ का बिजनेस करते हुए अपने वर्ल्ड वाइड टोटल को 1123 करोड़ के पार जो है वो यहाँ पर पहुंचा दिया। अब गाइस बात करते हैं आज डे नंबर 29 की। तो गाइस ऑब्वियसली हिंदी वर्जन का कलेक्शन थोड़ा बहुत तो गिरेगा, अगर स्टेडी रहा तो डेफिनेटली 1 करोड़ के ऊपर रहेगा एंड उम्मीद करते हैं कि फ्राइडे जो है प्रोड्यूसर्स इसके हिंदी वर्जन में कलेक्शन जो है वो रिपोर्ट करे। तो गाइस आज मुझे लगता है कि फिल्म कहीं ना कहीं हिंदी वर्जन में 90 लाख की कमाई करेगी एंड अगर 90 लाख कमा देती है देन आस्ते आस्ते ये धूम 3 एंड टाइगर 3 के करीब जो है वो पहुंचते हुए जा रही है। इसके हिंदी वर्जन का कलेक्शन जो है वो 281.66 281.66 करोड़ के पास जो यहाँ पर पहुंच जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बात करूंगा इस धूम 3 की, धूम 3 का रिकॉर्ड है 284.27 करोड़। बात करो टाइगर 3 है तो 285.52 करोड़। आई थिंक वीकेंड तक यानी कि संडे तक इसको रिकॉर्ड जो है वो तोड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। बात करो तेलुगु वर्जन की, तो फिल्म कहीं ना कहीं 55 लाख रुपए कमाते हुए दिखाई दे रही है। रेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस फिल्म 18 लाख कमाते हुए दिखाई दे रही है यानी कि आज भी फिल्म 1.63 प्लस करोड़ का नेट कलेक्शन जो है यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रही है। अब देखने लायक ये रहेगा कि कल मेकर्स क्या बाय वन गेट वन का ऑफर जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं नहीं करते। इसी के साथ इसका ग्रॉस होगा 2 करोड़ रुपया एंड ओवरसीज ये फिल्म आराम से 70 लाख रुपए कमाई करते हुए आज भी अपने 29th डे को
2.70 करोड़ की कमाई जो यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि इसके वर्ल्ड वाइड टोटल को 1125.70 से लेकर 1126 करोड़ तक पहुंचाती है, यानी कि 1125.70 से लेकर 1126 करोड़, अभी भी 1150 करोड़ कमाने के लिए इसे बस 24 करोड़ की जो है वो और आवश्यकता है। आई थिंक ये फिल्म बहुत लंबा चलेगी, फेज वन की बात कर रहा हूँ, एंड उसके बाद फेज टू में डेफिनेटली नंबर टूटेगा जापान चाइना से आराम से। ये फिल्म 1250-1300 करोड़ जो है वो भी कमाने की यहाँ पर क्षमता रखती है। स्काई इज द लिमिट कि वहाँ जाके पैसा कितना कमाएगी। ओके गाइस, सो मच का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। लेट्स गाइस, आज का दिन बहुत ही क्रूशियल है, कल से नया हफ्ता शुरू होगा, फिर वापस से सैटरडे संडे आएगा जो कि कल की ये कलेक्शंस को एक अलग ऊंचाई तक पहुंचाएगा। एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक की शेयर की सब्सक्राइब कीजिए। यस, वापस से कहकर जा रहा हूँ, आज शायद इसका लास्ट डे हो सकता है IMAX वर्जन का, फिर बाद में जिंदगी और पछतावा रह जाएगा कि इसको IMAX में क्यों नहीं देखा। इसे कृपया करके इसे जाइए IMAX वर्जन में एंजॉय कीजिए। स्पाइडरमैन साइनिंग ऑफ, यू आर गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से Stay cool, man.